हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो हमारी क्लास है आज होने वाली है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन की सेकंड क्लास, ठीक है। क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज इसका लास्ट है। मीन्स जब हम पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का आज हम लास्ट कराने वाले हैं इस वीडियो में। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और जल्दी से पहुँच जाइए फर्स्ट वीडियो पर हमारी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट मीन्स जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने उसमें बता दी हैं। और हाँ भाई, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स एंड जीके हमारा वहीं पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको बहुत पहले दिया हुआ है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वह ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जॉब अब आने ही वाली है, अनलॉक वन हो चुका है। मैंने देखा था सरकारी साइट पर बहुत सारे एडमिट कार्ड हमारे आ चुके हैं, एनडीए का भी आ चुका है, सीएचएसएल का आ चुका है, और जो बाकी हमारे जॉब्स हैं उन सभी के नोटिफिकेशन हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में मैंने काफ़ी बता दिया था। और हाँ बच्चों, जिससे भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपके पास अलग से कोई क्वेश्चन है नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें ग्रुप में शेयर करिए, हम आपको जल्दी से जल्दी 10-5 मिनट में ही उसका आंसर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में। आज हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन यही टॉपिक है। जैसे ये कोई हमारा ट्रायंगल गिवन है हमें, ये हमारे एक्सेस हैं x1y1, ये x2y2 है, ये हमारा x3y3, हमारे ये क्या है वर्टेक्स है, इसके पॉइंट है। तो जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एरिया की बात करें ट्रायंगल के, तो वो होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 क्यों रख देते हैं हमारा, क्योंकि अगर 3D में पहुंच जाता हमारा तो 1 1 की जगह पर z1 z2 z3 हमारा आ जाता। तो इसे आप सोल्व कर लेंगे चाहें तो ऐसे आ जाएगा 1/2 x1, मैंने बताया था इसको सोल्व करना आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार फिर देख लीजिए। जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मीन्स जब इसे सोल्व करते हैं तो पहले एक बार इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, या फिर पहले इसे फिर इसे फिर इसे, तो लेकिन आपको x1 x2 x3 के फॉर्म में लेना है, जिससे कि आपको आसानी रहे करने में। तो आप देखो x1 ले लीजिए पहले, जब इसे लेंगे तो आप इसको पूरा छोड़ दो, इसको पूरा छोड़ दो, ठीक है। ये दो जो बचे इसमें ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है और इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे देखो x1 ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा y2 मल्टीप्लाई 1 में तो y2 हो गया, माइनस y3 की तो y3 ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। तो 1 2 3 ये कोड बन गया 1 2 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस इस 1 को 3 पे ले आना, 3 को 2 पे, 2 को यहाँ, बस ऐसे करके याद करना है, बाकी आप सॉल्व करना यहाँ पर सीख ही गए हैं। ये बस याद करने की ट्रिक बता दी मैंने। देखो x2 क्या होता है, 1 का ये और 2 यहाँ आ गया x2, ये 3 आ जाएगा y3, और यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, जब ये 1 घूम पे आएगा यहाँ पहुँच जाएगा y3, ठीक है। ऐसे देखो प्लस x2 की जगह क्या आ गया x3, ये 1 यहाँ पर y1 माइनस y2। क्यों था बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है जी। क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, दो साइड हमारे पी पैरेलल होती हैं और ये इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड हमारी पैरेलल, कौन कौन सी, ये और ये सामने वाली साइड पैरेलल और अनइक्वल, मीन्स ये पैरेलल होती है बट बराबर नहीं होती, और ये दोनों बराबर होती हैं लेकिन पैरेलल नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका एरिया का फॉर्मूला पहले तो ये है कि हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, मींस ये दोनों साइड हैं पैरेलल, इन दोनों का सम इनटू कितनी इसकी ऊंचाई है, ये अगर हम याद कर लें तो इसका हमारा एरिया फाइंड हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमें इसका एरिया बताना होता है
पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है जी। किसकी फॉर्म में बताना होता है? एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है, ये सब लोगों को बताना है कि ये एक्स वन एक्स टू वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है, और ये एक्स फोर वाई फोर है, ठीक है। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो भाई इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, हाफ, ठीक है, हाफ हो गया। पहले हम सामने वालों के एक्स जोड़ते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम जो सामने वाले हैं उनके वाई वाई जोड़ लेते हैं, जैसे उफ एक्स इसमें जोड़ते हैं, वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है, वाई वन वाई टू, और यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं हमारे एक्स के नंबर्स के डिफरेंस से, ठीक है। देखो जैसे एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाइए, एक्स वन ये इधर तो हो गए, अब इधर से इधर चलिए, वाई टू प्लस वाई फोर, ठीक है, और डिफरेंस एक्स टू माइनस एक्स फोर, ठीक है, इधर आ जाइए, ऐसे ही सेम करते हुए, क्या आया यहाँ पर, वाई फोर प्लस वाई थ्री और एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह वाई थ्री माइनस सॉरी प्लस वाई वन, एक्स में माइनस होता है, वाई प्लस होता है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा हो जाता है यहाँ पर, लेकिन मैंने लंबा आपको याद नहीं करना है, मैंने बता दिया है कि क्या करते हैं, एक्स ओ सॉरी वाई और वाई वाले जुड़ते हैं, और एक्स और एक्स वाले डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ ऐसे देखते हुए चलेंगे कि देखो यहाँ पर वाई वाले ऐड हो गए और एक्स वालों का डिफरेंस, ऐसे ही पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, इस तरह से आपके चारों पॉइंट बन जाएंगे और आप ट्रेपेज़ियम का एरिया निकाल लेंगे। ट्रेपेज़ियम का एरिया बहुत सोचो पता नहीं होता है, मैंने आपको ये बताया है, वरना सभी स्किप करके निकल जाते हैं यहाँ से, इसलिए हमारी वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए साथ में। देखो इसमें आता है कोलिनियरिटी का फॉर्म, ठीक है, कोलिनियर मतलब ये पॉइंट है हमारे, हमें बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे करके हमारा ये जीरो आ गया, मीन्स ये हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, अगर इसका एरिया जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट क्या है हमारे, कोलिनियर है, मीन्स एक ही सीधी लाइन में है। अब देखिए एरिया की बात हो गई हमारे ट्रेपेजियम का भी और ट्रायंगल का भी, पैरेललोग्राम का और देख लीजिए, ट्रायंगल के में होता हाफ, लेकिन पैरेललोग्राम के में हाफ हट जाता है और बस ऐसे ही चल जाता है, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू वाई थ्री सॉरी एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, बस कितना डिफरेंस है, शुरू में हाफ हट जाएगा हमारा, बस इतना डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम के में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंट्रोइड, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि एरिया का अगर आप वो सॉरी ट्रायंगल का आपने एरिया निकाल लिया है और यहाँ पर सेंट्रोइड हमें बताना है, ठीक है। जब हम सेंट्रोइड बताते हैं तो सेंट्रोइड निकालते हुए क्या करते हैं, हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों को ऐड करके अपॉन थ्री कोमा वाई वन वाई टू वाई थ्री अपॉन थ्री, तो ये बीच वाला पॉइंट हमारा आ जाता है, देखिए कितना आसान है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री अपॉन करके थ्री, ये हमारा आ जाता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए बाकी का क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर में, नेक्स्ट जो आता है हमारा अब हमारा, मान लीजिए कोई हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है और यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है,
और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी ax plus by plus c, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 मान लीजिए, और ये हमारा ऐसे करके ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है ये डिस्टेंस, जब हमें ये डिस्टेंस अपनी बतानी है h, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए जल्दी से मोड में लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर भाई हमारे सामने जो है वो हमारा नेगेटिव आ गया तो मोड से क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगी तो पॉजिटिव में होगी, इसलिए हम मोड का यूज हमारा कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वन, मीन्स ये जो है इनकी जगह पर एक्स और वाई की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना आसानी से आपको मिल गया है। ये तो हुई बट बात लाइन की और पॉइंट की, अब बात आ जाती है दो लाइन की, ठीक है। अगर हमारी दोनों लाइन ही हो, ठीक है, जहां हमारी लाइन होती है तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, जैसे ये वरना कौन पैरेलल होंगी तो भाई कहीं जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो लाइनों की बात जो होती है वो होती है हमारी पैरेलल, जैसे दो लाइन ही पैरेलल है, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है ए वन एक्स बी वन वाई वन प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन है, ए टू एक्स टू बी टू वाई टू प्लस सी टू, ये होगी हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन। तो जब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, तो भाई इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, मोड में ही होता है इसका भी, सी वन माइनस सी टू, बस सी वन में से सी टू सब्सट्रैक्ट हो जाता है और अपॉन में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सॉरी ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम अपना पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा नहीं रहा है, इससे नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कराएंगे वो कराएंगे अपना सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला हमारा सर्कल होने वाला है, तो इसलिए हमारी वीडियो उसको जल्दी से जल्दी वायरल कर दीजिए भाई, जल्दी से फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और हाँ इंस्टाग्राम पे अकाउंट हमारा ज़रूर फॉलो करें।